सो है यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, फिलहाल अभी हम है जयपुर में। तो आज फाइनली हम जयपुर से निकल रहे हैं। कल हमने मस्त जयपुर घूमा और आज हम जा रहे हैं उदयपुर, द सिटी ऑफ फ्लेक्स। तो वहाँ पे घूमेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम जा रहे हैं मिस्टर इंडियन हैकर के वहाँ। तो हमारे दिलराज भाई वहाँ पे रहते हैं, तो आज उनसे मिलेंगे, उनका स्टूडियो देखेंगे और उसके बाद फिर घूमेंगे उदयपुर मस्त। तो दिखाएंगे आपको, फिलहाल रेडी हो चुके हैं नहा धो के। तो अब बस निकलते हैं, करते हैं चेकआउट होटल से और मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो चलो गाइस, लेकिन आज मज़ा बहुत आने वाला है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है। फर्स्ट टाइम जाएंगे उनके स्टूडियो, बाय होटल। तो चलो गाइस अब निकलते हैं, बाकी सारा सामान हमने रख लिया है। तो भैया लोग नीचे जा चुके हैं, हम भी चलते हैं। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो चलो तो गाइस फिलहाल पहुँच चुके हैं मिस्टर इंडियन हैकर के स्टूडियो। तो आपको दिखाते हैं, देखो ये है वो वाला एरिया जहाँ पर होते सारे एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर, शायद वहाँ पे गाड़ी दबाई थी। मतलब यार इतना अच्छा लग रहा ना यहाँ पे आके, मतलब आज तक सिर्फ वीडियोस में देखा था और आज रियल में देख रहे हैं। बाकी सामने है मेन स्टूडियो, चलो आपको वो दिखाते हैं अब। तो देखो ये है पूरा हॉल जहाँ पे सारा सामान रखा है एक्सपेरिमेंट का। तो ये है वो गाड़ी एक्सपेरिमेंट वाली, खतरनाक। ब्रो कैसा लग रहा है? क्या क्या रखा है? जी भाई सब खुराफाती सामान। तो यहाँ से है एक रास्ता ऊपर, आपको दिखाते हैं चलो। तो ये सीढ़ियाँ चलने फिरने वाली, ये देखो नीचे स्टेयरिंग लगा रखा है और यहाँ से ऊपर आ गए हैं हम। यहाँ पे है पूरा जिम इनका, क्या मस्त बना रखा है यार, है ना। बाकी नीचे है मेन स्टूडियो इसके। तो ये है एक एरिया, देखो यहाँ रखा है सामान बहुत सारा, यहाँ दिमाग का काम होता है। हाँ। तो रूम की बात करें तो एक है ये रूम और एक है ये जहाँ पे होती है एडिटिंग सारी वीडियोस की। तो देखो मस्त है, बाकी मैंने आपको दिखा दिया था वहाँ पे एक रूम है और ये बाहर हॉल है इसकी। तो यही सीन है, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। तो अभी टाइम हो गया दोपहर के 2 और अभी हमारा प्लान है कहीं बाहर घूमने जाने का दिलराज भाई एंड उनकी पूरी टीम के साथ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। तो चलो तो अभी गाइस घूमते घूमते हम पहुँच गए हैं पुष्कर। तो यहाँ पे है ब्रह्मा का मंदिर, ओनली वन इन इंडिया। तो फिलहाल वहीं पे जा रहे हैं पूरी टीम। तो चलो दिखाते हैं आपको। तो अभी हम आ गए हैं पुष्कर के घाट में, मंदिर तो हम घूमाए। तो ये है यहाँ का ब्रह्मा घाट, तो देखते हैं चलो। तो गाइस ये है देखो ब्रह्म घाट यहाँ का, भाई मस्त है भाई। सो मंदिर के अंदर फोटो खिंचवाना अलाउ नहीं था, वीडियो बनाना, तो हमने वहाँ तो बनाई नहीं, बाकी यहाँ पे आए घाट पे, यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो ये है यहाँ की मार्केट, देखो पुष्कर की मार्केट। तो गाइस मस्त घूम के आ गया ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर का फेमस ब्रह्मा मंदिर। तो हम आए थे अजमेर, तो अजमेर के पास था पुष्कर, तो फिर आ गए और घूम लिया। अब चलते हैं वापस स्टूडियो। तो अभी गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं स्टूडियो और फिलहाल अंधेरा भी होने वाला है, ये देखो बस सनसेट होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, ओके गाइस। तो गाइस ये है यहाँ का टेरिस, देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पे ये लगे हैं ये टर्बाइन से, जिनसे इसके अंदर की गर्मी बाहर निकलती है, तो ये घूमते रहते हैं हवा के साथ। बाकी ये देखो क्या सीन है। और अभी हम जा रहे हैं पीछे, वहाँ पे लेक है ना वहाँ पे, तो चलो चलते हैं। तो अभी गाइस जा रहे हैं नदी की तरफ, इसमें क्या कहते हैं इसको, पिकअप कैंपर। तो भाई लोग अभी से हमारी एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ओ भाई साहब, माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। खतरनाक गाइस, मजा आ रहा है, मजा ड्राइवर है, हेवी ड्राइवर। क्या नजारा है गाइस, क्या नजारा है देखो। तो ये आ गई झील जहाँ पे भैया ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो यहाँ पे आते ही तैरना शुरू, वाह। तो फिलहाल गाइस जा रहे हैं, मजा आ गया भाई लेक में नहा के, सच्ची में इतना हल्का फील हो रहा है ना अब नहाने के बाद। पूरा अंधेरा हो चुका है भाई, अंधेरे में नहाया आज। अब चलते हैं वापस, चलो। तो चलो अब चलते हैं गाड़ी में। भाई भाई बहुत हिल रही है भाई, इसमें अलग ही डर लग रहा है भाई बैठने में। फाइनली पहुंच चुके हैं, चलो। तो नदी से नहाने के आने के बाद अब नहा रहे हैं कुएं के पानी से, बस ठंडा ठंडा पानी। मजा आ गया, मजा आ गया। तो गाइस फिलहाल चेंज कर लिया है और आज हम रुक रहे हैं यहीं पे, तो यहीं पे रुकते हैं आज
और फिर कल निकलेंगे यहाँ से उदयपुर के लिए। आज तो जा नहीं पाए, टाइम नहीं मिला। तो गाइस अभी हम हैं उदयपुर में, तो फिलहाल अभी हम हैं हमारे होटल में। देखो क्या होटल है भाई, ये होटल कम और महल ज़्यादा लग रहा है सच्ची में, बहुत प्यारा है। फिलहाल करने आए हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं महल। पहले यहाँ का मतलब होटल पूरा महल की तरह है सेम। तो गाइस ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, यहाँ पे फ्रूट्स जूस और इडली सांभर, मतलब बहुत कुछ है यार, मज़ा आ गया। खाना भी बहुत टेस्टी हो रहा था तो हमने खाना तो खा लिया है, अब आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, चलो। तो गाइस देखो फिलहाल हम आ चुके हैं बाहर और यहाँ का व्यू देखो यार भाई, ये कोई महल था जिसको कस्टमाइज करके होटल बना दिया, बहुत तगड़ा भाई रेनोवेट किया ये देखो पूरा। वहाँ पे सामने पूल है, आपको वो दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो क्या लग रहा है यहाँ पे, ये पूरा महल और यहाँ पे स्विमिंग पूल, यहाँ पे दो स्विमिंग पूल है देखो, एक बच्चों के लिए एक बड़ों के लिए। सो बेसिकली उदयपुर है द सिटी ऑफ लेक्स, सो यहाँ पे ज़्यादातर लेक्स वाली प्लेस है घूमने की, तो आज बस वही घूमेंगे। लेकिन सच्ची में मज़ा बहुत आ रहा है भाई, क्या होटल मिला हमको, कितना खतरनाक वाला, बहुत प्यारा है भाई। ये देखो पूरे रजाव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके आज। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं ऊपर टॉप पे, ओ भाई तो अब दिख रही होगी आपको पूरी लेक, वो देखो वहाँ पे पूरी लेक, यहाँ पे पूरी लेक। गाइस यार एक बार ना यहाँ पे जरूर आना यार, उदयपुर जयपुर भानगढ़ जरूर घूमना, राजस्थान, राजस्थान सच्ची में बहुत सुंदर है। हमने इतना सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा सुंदर होगा, लेकिन भाई जहाँ तक हम अब तक घूमे हैं ना, मज़ा आ गया यार, नेक्स्ट लेवल। ये देखो सामने पहाड़ हैं, चारों तरफ सामने पहाड़ हैं, बाकी ये है ऊपर से नज़ारा भाई, बेस्ट। तो गाइस चलो अब चलते हैं नीचे वापस हमारे रूम में, चलो चलो चलो। ये देखो यहाँ की लॉबी, अलग ही फील आ रहा है यहाँ पे यार सच्ची में। और बाकी एक जगह ये है हमारे रूम के बिल्कुल पास में, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है और जिम है देखो, तो सुबह सुबह हम यहीं पे नहाए थे मस्त। तो फिलहाल नीचे आ गए हैं, अब चलते हैं घूमने के लिए, मस्त मस्त जगह है, जो भी यहाँ पे जगह है फेमस जगह है, तो घूमेंगे आपको दिखाएंगे। तो वैसे अब प्लान है हमारा जाने का ऑटो में, तो ऑटो में घूमेंगे पूरा उदयपुर, मस्त मस्त जगह, बिकॉज ना गाड़ी में फिर फंस जाएंगे ट्रैफिक में और उतना टाइम मिलता नहीं है गाड़ी में, तो ऑटो में जा रहे हैं मस्त करके, तो ठीक है चलो। तो गाइस देखो ये है हमारे होटल के बाहर का एरिया और ये है सामने देखो महल, होटल कुछ भी कह सकते हो, तो ढूंढते हैं ऑटो और फिर चलते हैं ऑटो में। तो अभी गाइस ऑटो से पहुंच चुके हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन पे, तो ये है सज्जनगढ़ फोर्ट, तो चलो चलते हैं आपको दिखाते हैं कैसे अंदर से। तो गाइस यहाँ से है रास्ता ऊपर का 4 किलोमीटर का, तो उसके लिए यहाँ से एक और गाड़ी लेनी पड़ेगी हमें, तो हमने उसकी टिकट ले ली है। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं किले के ऊपर, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है भाई, मज़ा आ रहा है, तो चलते हैं देखते हैं कैसा सीन है ऊपर का। तो कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है यहाँ से, बाकी फ़िलहाल हल्का हल्का फॉग हो रहा है तो उतनी अच्छी तरह व्यू दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो भी है मस्त है भाई। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग आ रखे हैं देखो। तो फिलहाल गाइस जा रहे हैं यहाँ से, घूम लिया यहाँ पे भी, तो ये भी सिंपल किला था एक महल टाइप का, तो यहाँ से भी व्यू दिख रहा था, मतलब सब जगह से ऐसे व्यू दिख रहा है राजस्थान में जहाँ जहाँ हम गए हैं किलों पे। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ओके। तो अभी गाइस मस्त घूम घाम के हम आए खाने खाने के लिए यहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट में, जहाँ का नाम है खम्मा घड़ी। अब फिलहाल कुछ खाते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या अच्छा मिलता है और फिर चलेंगे यहाँ से होटल अपने वापस। तो गाइस होटल आते ही स्वम चला गया नहाने के लिए, ये देखो दोबारा से भाई, तीसरी बार क्यों इसको नहाने में अलग ही मज़ा आ रहा है भाई, तीसरी बार चला गया नहाने के लिए, बस क्या रहा गर्मी हो रही है, वाई नॉट, वाह। तो चलो कोई ना, शुभम को नहाने दो, हम चलते हैं रूम पे। और आज हमने खाई यहाँ की फेमस डिश दाल बाटी चूरमा, तो कुछ अलग सा टेस्ट था, मतलब वो ना आटे का होता है कुछ हलवा टाइप का, तो उसके ऊपर डालते हैं घी और फिर डालते हैं दाल और फिर खाते हैं उसको, तो ठीक लगा, मतलब अच्छा था, कुछ अलग था तो मज़ा आया। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं होटल, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे बिकॉज सुबह से घूम रहे हैं, तो चलो गाइस बाय।